हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले यहाँ पर पंजाब एफसी ने केरला ब्लास्टर्स को 3-1 से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, ये 3-1 से अपने होम ग्राउंड पे नहीं आ रहा है बट केरला में जाके उनके होम ग्राउंड पे आ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर अनवर अली की बड़ी अपडेट आ चुकी है कि क्या फिट है क्या नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा टॉपिक यहाँ पर भाई सैफ अंडर 17, जी हाँ दोस्तों, सैफ अंडर 19 वुमेन्स चैंपियनशिप हो चुका है, जस्ट अभी मार्च के महीने में होने वाला है सैफ अंडर 17, उसके बारे में जो डिटेल्स आए हैं उसके बारे में बात करेंगे। एंड लास्ट जो टॉपिक है वो की है भाई अपना RFDL रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग का जो सीजन 3 है वो स्टार्ट हो चुका है, स्टार्ट होने वाला है, उसके बारे में जो भी डिटेल्स आपको चाहिए वो ये वाले वीडियो में हम बात करेंगे। सो यस, चारों टॉपिक्स के ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। सो पहले यहाँ पर बात करना पड़ेगा हमें पंजाब एफसी के बारे में। जिस तरह से पंजाब एफसी ने केरला में जाके केरला ब्लास्टर्स को 3-1, जी दोस्तों ये 3-1-4-1 भी हो सकता है बिकॉज ऑब्वियसली एक गोल जो था लुका का तो उसका गोल ऑफसाइड दे दिया था बट वो ऑनसाइड था। बट मैच के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हाफ में इट वॉज 1-1 एंड डेफिनेटली आप ऐसा बोल ही नहीं सकते कि केरला डिजर्व मोर देन, बिकॉज कल का जो मैच था केरला उसमें उन्होंने अच्छे से खेल ही नहीं पाए थे। पंजाब को पूरा क्रेडिट जाता है। अगर आप बात करेंगे पहले उन्होंने चेन्नई एफसी को हराया अपने होम ग्राउंड पे, चलो ठीक है, बेंगलुरु को हराया अपने होम ग्राउंड पे 3-1, दैट इज पंजाब के होम ग्राउंड पे उन्होंने 3-1 हराया। लेकिन ये विन मेरे हिसाब से बहुत स्पेशल रहेगी बिकॉज एक ऐसा स्टेडियम जहां पर आसान नहीं होता इतने फैंस के सामने खेलने के लिए, एंड वहां पर आपने केरला ब्लास्टर्स को 3-1 से हराया। जी हां दोस्तों, दैट वाज अ फैंटास्टिक विक्ट्री। एंड अगर आप बात करोगे, मुझे तो ऐसा लगता है कि कभी कभी पंजाब एफसी बाकी चेन्नई एफसी या बेंगलुरु एफसी उससे ज्यादा पैशनेटली खेल के दिखाती है, एंड ऐसा लगता है कि चलो ठीक है इन्हें कुछ जिंदगी में कुछ करना है, नॉट लाइक कि चेन्नई एफसी की भाई मतलब कुछ रिजल्ट ही नहीं निकाल पाती है। एंड ये जो रिजल्ट है, ये जो विन है, ये एक स्टेटमेंट विक्ट्री है कि भाई यस वी कैन ऑल्सो डू इट। एक आईएलई की टीम भी अच्छा कंपीट कर सकती है आईएसएल में, एंड ये जो मैं बोलूंगा कि भाई टॉप सिक्स के लिए चैलेंज कर पाएगी, सी यू नेवर नो, आईएसएल में कुछ भी हो जाएगा बिकॉज अभी अगर आप देखोगे पॉइंट्स टेबल 16-15-14-14, तो अभी पॉइंट्स टेबल पे पंजाब एफसी भी 14 पॉइंट्स पे आ चुकी है। तो इट्स रियली गेटिंग टाइट, जैसे कि मैंने बोला बाकी हर एक टीम्स भी जो जीत जाएगी तो और टाइट से टाइट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जॉर्डन के बारे में बात करेंगे, जॉर्डन विलमार 2 गोल उसने मारे, खतरनाक गोल मारे, एंड लुका ने एक पेनल्टी मारी थी, एंड केरला ब्लास्टर्स एक गोल आया। बट अगर आप बात करें फंटास्टिक मैच आज केरला ब्लास्टर्स थोड़ी हल्की लग रही थी, बट केरला ब्लास्टर्स में एक जो प्लेयर के बारे में बात करें जिक्सन सिंह, जी दोस्तों जिक्सन सिंह वॉज स्टार्टिंग ऑफ द 4 मंथ, तो ये एक बहुत खुशखबरी थी फॉर द इंडियन फुटबॉल फैंस। लेकिन भाई पंजाब एफसी ऑल द क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज जिस तरह से उन्होंने खेला आज दे डेफिनेटली डिजर्व ऑल द 3 पॉइंट्स, एंड मेरा तो मन करे भाई दे कैन डेफिनेटली गो फॉर द टॉप 6, बहुत मजा आ जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सेकंड टॉपिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनवर अली, जी हाँ अनवर अली का जो पिक है विद द बॉल इन द ट्रेनिंग ग्राउंड, वो यहाँ पर मोहन पवन सुपरजेंट्स ने आज ही सुबह उन्होंने पोस्ट किया था, एंड जिससे सबको लग रहा है या तो जिसको सबको ऑलमोस्ट मालूम पड़ चुका है कि भाई यस अनवर अली ऑलमोस्ट फिट है, तो जिससे हम लोग टेंशन लेते हैं कि भाई 2 महीने के लिए बाहर रहेगा 1 महीने के लिए बाहर रहेगा, एज ऑफ नाउ वो फोटो को देख के मुझे नहीं लग रहा कि वो 1-2 महीने के लिए बाहर होगा, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्या पता। जैसे कि मार्कस सर हमारे इन फैब्रिज, तो उन्होंने बोला था कि 14 जो मोहन बगान वर्सेस गोवा का मैच है तो वहां पर हमें देखने मिल सकते हैं, तो आई गेस ही विल बी देम एंड इट्स अ बिग बूस्ट नॉट जस्ट फॉर मोहन बगान सुपर जायंट्स बट यहाँ पर अपने व्हाट इज इंडियन नेशनल टीम। बट यहाँ पर एक जो मेरा क्वेरी रहेगा, तो एक जो मेरा प्रॉब्लम रहेगा कि ये रहेगा कि देखो है ऑब्वियसली आप हरी कर रहे हो कि भाई आपको मोहन बगान के लिए खेलना है एंड देन ऑल्सो इंडियन फुटबॉल टीम, बट मैं ये चाहता हूँ कि यार आप अपने प्लेयर का करियर रिस्क मत कीजिए बिकॉज यस ठीक है इंजरी होती है, तो कैसा है कि देखो जब भी इंजरी होती है तो यू नीड टू फॉलो सम स्टेप्स, एंड आप अगर हर जल्दबाजी करोगे तो आप और वो इंजरी को और बदतर बना पाओगे, एंड इंडिविजुअल का जो करियर है वो आप रिस्क पे डाल सकते हो। सो मैं चाहता हूं कि अगर आप पूरा फिट है ठीक है, अगर अनवर अली पूरा फिट है तो भले ही कितना भी बड़ा मैच हो, भले ही कितना भी बड़ा मैच हो, आई विल नॉट स्टार्ट टीम आप बेंच से लेकर, बिकॉज इतना हाई इंटेंसिटी मैच में अगर आप उसको फिर से खिलाओगे तो वो फिर से भाई बोलते हैं कि मैं हैमस्ट्रिंग आ जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट यस ही इज ऑन द फील्ड विद द बॉल एंड कुछ तो कुछ गुड न्यूज आई है, अब देखते हैं और इसे ऑफिशियल अपडेट और आती है या नहीं आती है। एंड जब तीसरा टॉपिक है यहाँ पर भाई सैफ अंडर 17, जी अरे सैफ अंडर 19 का तो आपको पता ही है कि किस तरीके से हमने खेला था एंड किस तरह से कियोस्क एंटरटेनमेंट क्रेजी 5 घंटे तक फाइनल चला था। अभी यहाँ पर सैफ अंडर 17 की बारी आ चुकी है, एंड अगर आपको पता है कि सितंबर अक्टूबर के महीने में वो बॉयज का ठीक है बॉयज का सैफ अंडर 16 सैफ अंडर 19 हुआ था, और अभी अभी
वुमेन्स का और है अंडर 17 और अंडर 19, अंडर 19 हो चुका है बट अभी अंडर 17 होने वाला है। यहाँ पर आपको फिक्चर्स देखने मिल रहे हैं मार्च के महीने में, मार्च का स्टार्टिंग का जो 10 दिन है तो वहां पर हमें ये सैफ के फिक्चर्स देखने मिलेंगे एंड जिसमें इंडिया है, नेपाल है, भूटान है एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग बांग्लादेश है। ये मैच वो कंडक्ट किया जाएगा नेपाल के अंदर एंड जो एक राउंड रॉबिन फॉर्मेट में आएगा कि हर एक टीम एक दूसरे के साथ एक एक मैच खेलेगी। जो टीम्स टॉप टू फिनिश करती है तो दे विल बी प्लेइंग द फाइनल ऑन 10th of March। तो देखो हम जैसे की बात करते कि भाई ये जो सैफ है इसमें इतना कुछ है नहीं बट एक अच्छी बात है कि हमारे जो यंगस्टर्स है उनको ज्यादा टाइम मिलता नहीं है तो एटलीस्ट सैफ में तो गेम टाइम मिल सके। सो ये एक बात है एंड देखते हैं अभी सैफ में जैसे कि हमने बोला हम ज्यादा मैचेस देखेंगे नहीं, इट्स गुड फॉर देम कि गेम टाइम मिल रहा है बट हम लोग फाइनल में देखेंगे, कोशिश करेंगे जैसे कि हमने सैफ अंडर 19 में हुआ देखा था हमने फाइनल। बट भाई ये बार हमें नहीं चाहिए वो बकचोदी, ये बार हमें वो कंट्रोवर्सी वगैरह नहीं चाहिए, प्रॉपर फाइनल 90 मिनट्स के आप जीत रहे हो या पेनल्टी वगैरह कुछ भी करो और ये बार हमें वैसा सब क्योस एंड कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए। अभी अब हम बात करेंगे जो 14 टॉपिक है जी, और दोस्तों रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग RFDL का सीजन 3 स्टार्ट होने वाला है फ्रॉम 14 February। इसके बारे में आपको क्या क्या जानना जरूरी है उसके बारे में ये वाली वीडियो में बात करेंगे। तो भाई यस, RFDL सीजन 3 स्टार्ट्स इन मिजोरम एंड मिजोरम रीजन, ठीक है, अलग अलग रीजन है तो फेब्रुवरी 14 से स्टार्ट होगा जिसमें अभी देखो ये इंडिया का लार्जेस्ट अंडर 21 टूर्नामेंट है रिलायंस फाउंडेशन डेवलपमेंट लीग। अभी क्या होगा कि इसमें 55+ टीम्स पार्टिसिपेट करने वाली ये वाले टूर्नामेंट में एंड 8 जोन्स होंगे, तो 8 अलग अलग जोन्स होंगे। अभी 8 अलग अलग जोन्स कौन से हैं उसके बारे में बात करेंगे, मुंबई, गोवा, केरला, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, मेघालय दैट इज आसाम एंड मिजोरम, तो ये 8 जोन्स रहेंगे, अलग अलग जोन्स में मिला के ये टूर्नामेंट होगा। अभी क्लब्स इसमें कौन कौन से पार्टिसिपेट करेंगे, क्लब्स जैसे कि ISL के हो गए, आई लीग के हो गए, आई लीग सेकंड डिवीजन हो गए एंड स्टेट फुटबॉल एसोसिएशन की तरफ से आप बोल सकते भाई ये सबको मिला के क्लब्स पार्टिसिपेट करने वाले 55+। अभी क्या होगा कि फॉर्मेट कैसा होगा, ये 3 फेजेस होगा, तो ये 3 फेजेस होंगे, एक रीजनल क्वालिफायर्स, एक नेशनल ग्रुप स्टेज और एक नेशनल चैंपियनशिप। तो बी ऑनेस्ट मेरे लिए भी ये पहली बार है तो ये ऊपर से मैंने आपको अपडेट बता दिए कि क्या क्या ऐसा होने वाला है RFDL। अभी जिस तरह से चालू होगा जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे तो वैसे वैसे हम लोग को जो खबर है वो हम लोग को मिल जाएगी एंड जो 300+ मैचेस, जी दोस्तों 300+ मैचेस का प्लान किया है, लेट्स होप ये आगे जाके बहुत अच्छे से हो जाए। और देखो ये सीजन 3 इंडिया का लार्जेस्ट अंडर 21 टूर्नामेंट है, लेट्स होप कि काफी अच्छा हो जाए एंड लेट्स सी कि कैसे टूर्नामेंट आगे जाता है, होपफुली हमें देखने मिल जाएगा ये मैचेस लाइव स्ट्रीम। और यस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है, डू लेट अस नो इन चैट सेक्शन आप लोग क्या सोचते हो 4 टॉपिक्स के ऊपर। भाई साहब पंजाब ने क्या विक्ट्री की थी और हम बोलते हैं ना कि भाई आप चाहे कितने भी मैचेस जीत लो बट जो फर्स्ट विक्ट्री होती है ना भाई, फर्स्ट अवे विक्ट्री इनको मिल गई पंजाब को, वो तो ऑलवेज स्पेशल रहती है, वो भी केरला ब्लास्टर्स के होम ग्राउंड कोची जैसे स्टेडियम के अंदर आप जाके वहां पर केरला को हरा देते हो, दैट्स इनक्रेडिबल अचीवमेंट एंड यस इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है। डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन आप लोग क्या सोचते हो ये 4 टॉपिक्स के ऊपर एंड मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय बाय, टेक केयर एंड इसी तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।